में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो साफ पता लग रहा है इसके अंदर इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकियों का सही आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर है। तो ये किया था मीटर में कन्वर्ट किया तो करो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। नहीं 5 नहीं करना आपने, ये कुछ अलग है मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर है, ये नहीं करना है, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6 में फिगर शोज लॉन्ग, वो कह रहा है स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट 10 एम्पीयर करंट है इन ऑपोजिट डायरेक्शन द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर गिवन है 5 सेंटीमीटर फाइन मैग्नेटिक फील्ड पी मिड पॉइंट के ऊपर। तो रूल नंबर 1 मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। तो वायर नंबर 1 कितना बी लगाएगी, बी 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर कितना माइनस 2 राइट। तो इसमें करंट क्योंकि ऊपर है तो बी कैसे होगा इसके इनसाइड, करंट ऊपर है तो बी कैसे होगा इनसाइड। उसी तरीके से यहां पर बी 2 का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली क्या आएगा सेम डायरेक्शन देखें, इसमें क्योंकि करंट नीचे है तो बी कैसे होगा इनसाइड। ये देखो करंट नीचे है तो बी कैसे होगा इनसाइड, तो बी इनसाइड, दोनों बी इनसाइड है तो नेट बी की वैल्यू क्या होगी, नेट बी की वैल्यू होगी बी 1 प्लस बी 2 और ऐड करके डायरेक्शन कहां होगी इनसाइड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 हमने जैसे टाइम किया था आई वन आई टू करंट है पी पे बी निकालना है इनफाइनाइट वायर्स हैं तो सबसे पहले आई टू जो वायर है वो बी टू का मैग्नीट्यूड क्या लगाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई टू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। आई टू आपको पता है पुट कर लेना, डायरेक्शन देखें करंट कहां पर है यहां पर है तो अगर कोई पॉइंट ऊपर होता तो बी कैसे होता बाहर और लेकिन ये पॉइंट नीचे है तो बी कैसे होगा इसमें इनसाइड, करंट इधर जा रहा है तो बी कैसे है इनसाइड, तो डायरेक्शन कैसे है इनसाइड। सिमिलरली बी 1 की वैल्यू भी एग्जैक्टली इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 लेकिन करंट इसमें ऊपर है तो बी कैसे है इनसाइड, तो ये भी इनसाइड, तो पहले का भी इनसाइड दूसरी का भी इनसाइड दोनों को ऐड करके इनसाइड इनसाइड टोटल आंसर इनसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, दोनों आंसर में ऐड करके आंसर आ जाएगा, ऐड होगा ना इनसाइड, हाँ ऐड होगा ठीक है। ये देखो तो ये करंट ये रहा इनसाइड, ये करंट इधर है इनसाइड, वो जो तुम कह रहे हो ना वो डायग्राम कुछ अलग है आएगा वो भी, तो डायग्राम टू डायग्राम है देखने में वैसे जो आप कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, यस सर। कितनों का 9th हो गया वैसे, 9th हो गया। देखो 9th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बहुत लंबी वायर है, करंट इसका आई आपको गिवन है कितना 200 एम्पियर करंट है, क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स में एंटर करके बाहर निकल रही है और ईच साइड क्यूब का 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये पी क्यू की जो लेंथ गिवन है, पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि डीएल 1 सेंटीमीटर है,
तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ वायर, तो बायट सेवरेट्स लॉ लगाएं। बायट सेवरेट लॉ में सबसे पहले वगैरह ए के ऊपर निकालो बी क्या होगा। अब क्योंकि ये टोटल 20 सेंटीमीटर की साइड है तो आधी साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर, तो आर यानी पर यहां पर क्या है 10, आधा 10 हो गया। तो बायट सेवरेट लॉ में ये आर वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल क्या है 90, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या डीबी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आए डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर का मतलब 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तो? बायट सेवरेट लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई आए डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि करंट यहां पर क्या है डीएल क्या है राइट, आर क्या है ऊपर, एंगल इनके बीच में क्या है 90। ठीक, कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है, ठीक है। तो सॉल्व में डीएल आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, पुट करके आंसर एक आंसर आ गया, तो टेस्ला में आंसर निकाल लोगे। अब इसी तरीके से अगर आपको बी पॉइंट पर यहां पर बी निकालना है तो फिर से आंसर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बी पॉइंट की दूरी भी एग्जैक्टली कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आर तो अब भी 10 है, तो फर्क कहां होगा डायरेक्शन, क्योंकि करंट राइट है तो ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगा और बी पॉइंट पर कहीं नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन में बी में फर्क होगा। पर उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड क्या निकालना है, लीविंग द होल्स कंसिडर एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एलिमेंट, तो आपको मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है वो, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्शन में कैसे निकालोगे, 3D है ना, तो निकालने को निकाल भी सकते हो, जैसे ये वायर है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएगा बी ऊपर वाले पॉइंट पे, और नीचे वाले पॉइंट पे अंदर इनसाइड आएगा। क्या मैग्नीट्यूड क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट समझें, इसके अंदर अगर आपको बी यहां पे निकालना है यहां पे डी पॉइंट पर, तो आर वेक्टर अब क्या बन गया, ये आपका बन गया आर वेक्टर, ये बन गया आर वेक्टर, ये क्या है डी एल वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है 45 डिग्री। क्लियर है 45 डिग्री, तो बायट सेवरेट लॉ लगाएं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 45 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस बार आर क्या होगा, ये लेंथ होगी, ये लेंथ क्या है हाफ द डायगोनल, हाफ डायगोनल क्या होता है मैथ्स में ए बाय रूट टू, तो 20/2 मतलब ए साइड ऑफ द स्क्वायर है, यानी कि 20 × 10⁻²² बाय रूट टू। कोई डाउट इसमें, पुट कर लेंगे, एक और आंसर आ गया सर, ये एंगल 45 कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर वो है ना क्यूब है, क्यूब का ये एंगल ये 90 है, तो आधा ये एक्स है ये वाई है, तो 45 ही होगा ना, डायगोनल है, यस सर, हां 22 मिट्री, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट सी है तो याद रखना, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के अगर एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करता है, एक्सिस के ऊपर याद रखना, एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। तो अगर कोई वायर करंट कैरिंग वायर है उसके एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वहां पर बी की वैल्यू क्या होगी 0। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, तो 0 हो गया, डन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, यस सर, कितनों का हो गया, हो गया। देखो एक लॉन्ग स्ट्रेट टेलीफोन केबल है, ये केबल है जिसमें ना 6 तारे हैं, 6 वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हर वायर में करंट 0.5 एम्पियर है, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज नेग्लिजिबल, चिपकी पड़ी हैं बिल्कुल, तो यानी कि वो एक वायर की तरह काम करेंगे, चिपकी हुई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर निकालना है, तो आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻²² फ्रॉम द केबल, ऐसे। तो एक वायर में 0.6 है तो टोटल करंट क्या होगा 6 × 0.5 एम्पियर करंट आ गया। इनफाइनाइट वायर है तो बी का फॉर्मूला लगा लेना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 × I, I पता है डिवाइडेड बाय आर, ये रहा आर, टेस्ला आंसर। क्या पॉइंट क्लियर है, बी की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक बी आ गया। अब किसी ने कहा कि सर ये 10 सेंटीमीटर ऊपर भी तो हो सकता था,
आपने नीचे ड्रॉ किया, उसने कहा 10 सेंटीमीटर दूर निकालो, ऊपर नीचे कुछ भी, क्योंकि अगर वो ऊपर लेता है डायरेक्शन बी की चेंज हो जाएगी, नीचे लेता है बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए उसने क्या बोला कि फाइंड क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। उसने डायरेक्शन पूछी नहीं, उसने कहा जी बी की वैल्यू ही बता दो, क्योंकि उसको पता है कि आप 10 सेंटीमीटर कहीं भी ले सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अब वो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन में, फोर वायर्स आर कैरिंग करंट इन वन डायरेक्शन एंड टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कह रहे छह तारे हैं ना, तो चार में तो करंट सेम डायरेक्शन में है और दो ऑपोजिट है, तो नेट करंट क्या होगा? 4 × 0.5 माइनस 2 × 0.5, क्योंकि करंट अगर ऑपोजिट, मतलब आई और आई करंट अगर ऑपोजिट है तो नेट करंट तो जीरो हो जाएगा ना, तो चार करंट आगे है, दो करंट पीछे हैं, तो दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला वही लगेगा इनफाइनाइट वायर का, बस करंट इसमें चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, याद है ये? इसका आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा इसका। ठीक है, तो कुछ और आंसर आ रहा है बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन हेक्सागन, डाउट है हेक्सागन में हुआ? हाँ जी, देखो इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर एक हेक्सागन है। पहली बात तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, करेक्शन ये है कि करंट इसमें ऐसे है, सारे करंट ऐसे हैं, गलती से एरो गलत बना हुआ है। दूसरा, इसमें रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये जो एंगल है सारे हेक्सागन के, ट्राइंगल्स के, 60 60 60 और 60, 360 टोटल हो गए, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट है ये। दूसरा, इसके अंदर ये एंगल अगर 60 है तो आधा आधा कितना है, 30 और 30, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो टोटल डिस्टेंस इसका a है, तो आधा कितना है, a by 2, a by 2,
ये 30 डिग्री है, ये ए है, चलो ए ना भी है, नहीं भी पता कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, ये ए बाई टू है, तो आपको इस वायर से ये डिस्टेंस ढूंढना है एक्स या आर, आर ढूंढना है, क्योंकि आपको ये एंगल पता लग चुका है फाइव वन एंड फाइव टू, फाइव वन फाइव टू पता है, आर निकाल लो, तो इस ट्राइंगल से साइन नहीं टेन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू ए बाई टू डिवाइडेड बाई आर, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आर आर आ गया। अब इस वायर के लिए बी वन निकाल लो, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30, क्या स्टेप क्लियर है, तो बी वन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्योंकि इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड 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 आउटसाइड, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेट आंसर कैसे आएगा, आउटसाइड। क्लियर है यहां तक कि नेट आंसर कैसे आएगा, इसमें कोई डाउट इसमें, तो एक निकालेंगे बाकी सबका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक। तो ये इसका मेथड है, और ये शीट में जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, इसमें डाउट सर, क्वेश्चन 13 में भी डाउट है, 13, अच्छा, टू लॉन्ग कंडक्टर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा ओ, ये रहा डी, कैरिंग करंट आई वन आई टू रिस्पेक्टिवली, तो चलो मान लेते हैं ये करंट आई वन है, मान लेते हैं ये करंट आई टू है, कहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ये पी कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ, ओ से दूरी इसकी कितनी है ए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसीडी, एबीसीडी का प्लेन क्या है, ये पूरा बोर्ड एबीसीडी का प्लेन है, और मुझे वो क्या कह रहा है कि पॉइंट कहां पर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो वो पॉइंट बाहर होगा या वो पॉइंट बोर्ड के अंदर होगा, तो पी पॉइंट कहां पर है, बाहर है, ए डिस्टेंस यहां पे है, क्लियर है यहां तक, परपेंडिकुलर का मतलब बाहर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ए डिस्टेंस बाहर है, वहां पर मुझे बी निकालना है। अब इमेजिन करो कि ये एक वायर है, तो मैं ना इस वायर को बाहर निकाल रहा हूं, एक मिनट, ए ये बाहर आ गई, बोर्ड पे मुश्किल हो रही थी, तो करंट ये रहा, पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है बाहर, ये रहा पॉइंट, तो बी की डायरेक्शन बोलो क्या होगी, ये थंब बी कहां पर होगा, लेफ्ट, पॉइंट यहां पर है तो बी कहां होगा, लेफ्ट, सही है, तो फॉर्मूला तो इनफाइनाइट वायर का पता ही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, या 2 आई बाय ए इस केस में, तो लेफ्ट, अब इसे बाहर निकाल रहा हूं मैं, एक मिनट, ये बाहर आ गया, तो पॉइंट यहां पर है सामने, तो करंट यहां पर है, तो बी कहां पर है, डाउन, ये देखो डाउन, तो एक में क्या आ रहा है, लेफ्ट, एक में क्या आ रहा है, डाउन, तो सोचो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट यहां पर है, एक यहां पर है, तो नेट डायरेक्शन, नेट वैल्यू क्या होगी, ये बी, ये बी, तो नेट वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट टू बी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, रूट टू बी, तो बी तो आपको पता ही है, पुट कर लेना आंसर, तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इमेजिन करना है आपने इसमें। नेक्स्ट 13 के बाद 14 में डाउट, 14 में, 14 में ये आई वन करंट है, आई वन करंट यहां पर बी क्या लगाएगी, आई वन करंट बी वन की वैल्यू लगाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई वन डिवाइडेड बाय ए, और ऐसे ही आई टू क्या लगाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई टू डिवाइडेड बाय कितना बी, डायरेक्शन करंट ऊपर है तो बी कैसे होगा इनसाइड, तो ये क्या होगा इनसाइड, बी कहां पर है, करंट कहां पर है, ये रहा, तो कैसे होगा आउटसाइड, तो इस क्वेश्चन में आई वन आई टू की वैल्यू में पता ही नहीं कौन आई वन बड़ा है कि आई टू बड़ा, पता ही नहीं है, पता नहीं आई वन बड़ा आई टू बड़ा पता नहीं है, ए और बी के बारे में भी मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैं कह नहीं सकता इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप या तो इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे माइनस करें, आप कह नहीं सकते इसका आंसर क्या है, तो मॉड लगा दें, मैग्नीट्यूड निकाल दें, बात ही खत्म हो गई, क्लियर है, तो फिक्स आंसर कैसे आएगा मालूम ही नहीं किसमें क्या आंसर है, पर मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। नेक्स्ट है 14 के बाद खत्म हो गया, ठीक है।